हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, कुछ समय पहले यामा ने अपनी FZ Fi लॉन्च की थी, जो कि FZ का BS6 वेरिएंट है। और थोड़ी ही समय पहले, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, RTR ने भी अपना 164V का BS6 मॉडल निकाला था। दोनों ही बाइकें बहुत अच्छी हैं। हमें इसमें कलर्स और डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला था, हल्का सा BS6 वेरिएंट जब इसमें निकला था। तो अगर आप इन दोनों बाइक में किसी एक को लेने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि दोनों में से कौन सी बाइक आपके लिए अच्छी है। एक एक पॉइंट्स मैं आपके लिए कवर करने की कोशिश करूंगा। माइलेज, पावर, कंफर्ट, हैंडलिंग, सारी चीज़ें हम वीडियो में शुरू देखेंगे। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस, पहले हम दोनों गाड़ी की एक स्पेक्स देख लेते हैं। तो ये आ गई RTR अपाचे 164V BS6 और ये आ गई अपनी FZ Fi। FZ का BS6 आने के बाद इसके नाम में Fi नाम जुड़ा, RTR का नाम वही है। तो FZ में हमें 149 cc का इंजन मिलता है, अपाचे में हमें इंजन थोड़ा सा पावरफुल मिलता है 159 cc का। एयर कूल्ड इंजन हमें FZ में मिलता है और ऑयल कूल्ड इंजन हमें अपाचे में मिलता है। तो कूलिंग थोड़ी सी बेटर है यहाँ पे अपाचे में। सिंगल सिलेंडर के इंजन हमें दोनों में मिलते हैं, 30.2 PS की पावर देता है FZ 8000 RPM पे, और यहाँ पे अपाचे में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 60 PS की लगभग ये पावर देता है 8250 RPM पे। और टॉर्क यहाँ पे FZ में बहुत ही कम है, 12.8 Nm का टॉर्क मिलता है हमें 6000 RPM पे, और RTR में हमें टॉर्क अच्छा देखने को मिलता है, लगभग 14 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है 7250 RPM पे। पांच गियर इसमें है, RTR भी पांच गियर्स में आती है। RTR का इंजन 160 cc का होने के साथ ही थोड़ा पावरफुल भी है, क्योंकि ये रेसिंग के हिसाब से ट्यून किया गया है। और साथ ही अपाचे में कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसको एक रेसिंग के लायक बाइक बनाते हैं 160 cc सेगमेंट में। लेकिन FZ भी कम नहीं है, FZ में भी कुछ कुछ बातें ऐसी है जो FZ को खास बनाती है। चलिए वो फीचर्स हम आगे देखते हैं। दोनों बाइक्स में हमें सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है, लेकिन अपाचे में हमें सुपर मोटो ABS देखने को मिलता है। अब अपाचे का कहना है कि उनका सुपर मोटो ABS थोड़ा सा अच्छा है, रेसिंग ट्यून्ड है, बेटर डायनेमिक रेंज प्रोवाइड करता है। तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अपाचे हमने शुरू से देखा है टेक्नोलॉजी के मामले में शुरू से आगे रही है। फिर वो चाहे ड्यूअल चैनल ABS की बात हो या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की, अपाचे टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा दूसरी बाइक कंपनी से आगे रही है। FZ Fi V3 में हमें 100x80 सेक्शन का और RTR में 100x30 सेक्शन का रियर टायर देखने को मिलता है। साथ ही फ्रंट टायर में डिफरेंस नेगोशिएबल है, इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा हूँ। FZ में हमें 120 की टॉप स्पीड मिलती है, वहीं RTR में 125 की टॉप स्पीड मिलती है। खैर, RTR 122 का स्पीड पकड़ने के बाद बहुत स्ट्रगल करती है, लेकिन हार्डली वो 125 टच कर जाती है। गाइस, मैंने देखा है आप में से बहुत लोग बाइक लेते समय एक चीज़ को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है सीटिंग पोजीशन और कंफर्ट का। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो लॉन्ग ड्राइव्स करते हैं या जिनको डेली 25-30 किलोमीटर बाइक चला के ड्यूटी पे जाना होता है, बहुत ट्रैफिक होता है, उनको पता है कि कम्फर्ट कितना मायने रखता है। तो RTR में हमें कम्फर्ट थोड़ी सी लो देखने को मिलती है, यानी कि सीटिंग पोजीशन थोड़ी सी एग्रेसिव है रेसर टाइप। वहीं FZ में हमें सीटिंग पोजीशन बहुत ही कंफर्टेबल देखने को मिलती है। तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जाना चाहते हैं, थोड़ी ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, थोड़ी कंफर्टेबल राइडिंग चाहते हैं, तो आप FZ ले सकते हैं। साथ ही हमें FZ में टैंक कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा मिलती है, हमें FZ में 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, RTR में हमें 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कंफर्ट के मामले में डेफिनेटली FZ आगे है, और बिल्ड क्वालिटी भी दोनों बाइक्स की बहुत अच्छी है। लेकिन FZ का डिज़ाइन मैं थोड़ा बोलूँगा, थोड़ी मस्कुलर बॉडी है, वहीं RTR का जो डिज़ाइन है थोड़ी रेसिंग ट्यून्ड है। तो यहाँ पे डिज़ाइन आपकी पसंद है, आपको किसकी डिज़ाइन अच्छी लगती है। माइलेज भी हमें दोनों गाड़ियों में बराबर देखने को मिलता है, हालांकि RTR में पावर ज़्यादा है, लेकिन अपाचे ने RTR को बनाया ही कुछ ऐसा है कि उसमें माइलेज का भी हमें अच्छा देखने को मिलता है, और 40 से 45 किलोमीटर का माइलेज
दोनों बाइक्स दे देती है। बाकी दोनों बाइक्स में हमें एलईडी के हेड और टेल लाइट, एलईडी डीआरएस, मोनो शॉक ऑप्शन सस्पेंस और एलईडी स्पीडोमीटर देखने को मिल जाते हैं। मॉडर्न फंक्शंस सारे इन बाइक्स में हैं, प्लस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का मुझे यहाँ पे मिसिंग लगा, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ये पॉसिबल भी नहीं है। ये सिर्फ आरटीआर 200 में आता है, बजट कैटेगरी की हम बात करें तो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो या अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।